हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी लंच टाइम हो रखा है, मैं नीचे आई थी और ना मेरी आईब्रोज बहुत बढ़ गई हैं, मतलब काफ़ी टाइम, शायद 2 महीने हो गए हैं मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई है। तो और वीकेंड में हम कहीं जा रहे हैं, मतलब ऐसी एक छोटी सी ट्रिप के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी थ्रेडिंग करवा लूँ, और हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई होप शॉप खुली होगी, उनका पार्लर खुला होगा, लंच टाइम तक वैसे खुल जाता है। तो ठीक है, पहले थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, फिर बात करूँगी आपसे। अभी थ्रेडिंग कंप्लीट हुई है मेरी। थ्रेडिंग के बाद ना बिल्कुल लुक एकदम चेंज हो जाता है, मतलब मेरे फेस पे तो तुरंत पता लगता है, क्योंकि मैं बहुत लेट करवाती हूँ। तो एक थ्रेडिंग से ना लुक को बिल्कुल, मतलब फेस बहुत अच्छा सा हो जाता है। ठीक है, दिस साइड इज केक, आलमंड केक, प्लम केक, ब्राउनी। ओके, दिस इज वेयर द ब्राउनी। दिस इज ब्राउनी, चेक इट। तो ये लंच के टाइम पे ना मुझे वहाँ पर ऊपर एक ऐसी स्टॉल लगा हुआ था, तो जैसे कुछ डिफरेंटली एबल्ड, मतलब वो शायद देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने ये स्टॉल लगाया था, तो उनसे मैंने लिया है ये ब्राउनी, नॉट ब्राउनी, क्या है ये है, हाँ, मफिन मिनी पैक। बहुत तारीफ सुनी है इसकी, तो उनसे लिया है ये मैंने। आई होप प्रधान को पसंद आएगा, क्योंकि उसको मेरी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। ये मेरा ऑफिस का टाइम ओवर ओके हो गया है यहाँ पे, और अब मुझे जाना है रिधान को पिक करने के लिए, जो मुझे पूरे दिन में ना सबसे अच्छा लगता है, रिधान को पिक करना। तो बस यहाँ पर खुशी खुशी मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, अपनी मेरी क्विक राइड बुक हो गई है। नॉर्मली मैं शेयर कैब लेती हूँ इवनिंग के टाइम पे, मॉर्निंग में तो मुझे कैब से आना पड़ता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास में। और रिधान को पिक कर लिया है, और ये बस मेरा जो शाम का रूटीन होता है, ये मैंने कई बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मैं और मेरे हस्बैंड साथ में आते हैं, और यहाँ पर बस उसके बाद हम चाय बनाते हैं। 5:30 हो रहे होंगे, 5:30 या शायद 6 बज रहे होंगे, तो अदरक वाली चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि बैंगलोर में ना थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया। यूजली यहाँ पर ठीक ठीक मौसम होता है, पर आजकल ना बहुत ठंडा हो गया था। और आते हुए ना मैं यहाँ पर मोमोज पैक करा के लिए आई थी, मुझे रास्ते में मिला था, मोमोज वाली शॉप मिली थी, तो अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, और वहाँ से मैंने ये मोमोज पिक कर लिए, पैक करवा लिए थे। वेज मोमोज हैं, और चटनी के साथ इन्होंने यहाँ पर दिए थे। अगर आप में से कोई देहरादून का रहने वाला होगा ना, तो उसको पता होगा, मतलब मोमोज, वहाँ के मोमोज कितने फेमस हैं देहरादून के। उस देहरादून के मोमोज जैसा टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन ठीक है, ठीक था जो भी था। बहुत काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वाले मोमोज खाए थे। यूजुअली मोमोज ऐसी चीज़ जो होती है ना, ये जंक फूड होता है, वो मैं अवॉइड करती हूँ खाना, लेकिन वंस इन ए वाइल तो चलता ही है। हालांकि मेरी आजकल ना, मतलब जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने वेट भी दोबारा से गेन कर लिया है। करीब एक वीडियो शेयर किया था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं 77 से 63 केजी तक आ चुकी थी, लेकिन अब मैं फिर से 67 केजी हो गई हूँ, जो मुझे कम करना है। और रिधान को मैंने मफिन्स दिए थे, तो वो इतना खुश हो गया था ना उनको ये वाला देखो मम्मा, ये लाई है। क्या है? क्या है ये बताओ? क्या है ये? क्या है? क्या? क्या? बताओ क्या है ये? बताओ क्या है ये? क्या है बताओ? नो मफिन्स, मफिन्स। माँ मम्मा लेकर आई है। अच्छा मम्मा को थैंक यू बोलो, मम्मा को करो, बात कर लेते हैं। थैंक, चल पापा को भी दे दो, जाओ पापा को भी दे दो। और शाम की चाय पीने के बाद में मैं रिधान को नीचे लेकर आ जाती हूँ, थोड़ा सा वॉक करती हूँ मैं खुद, और वो नीचे खेलता है। तो हमारी सोसाइटी में ना एक लाइब्रेरी खुली है, बच्चों की लाइब्रेरी, तो यहाँ पर मैं उसको ले आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब ये एक छोटे से हॉल में उन्होंने ये लाइब्रेरी खोली हुई है, और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था सब कुछ, इतना कलरफुल था। और क्रिसमस का टाइम है, तो उन्होंने यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है, और बस पूरा जो एक जीसस क्राइस्ट का
बर्थ सीन है उन्होंने वो यहाँ पर बना रखा है, स्टार्स लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से, पूरी क्रिसमस थीम है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मेरे धान के पिक्स वगैरह भी लिए थे मैंने यहाँ पे, और ये बस बहुत एक अच्छा सा हॉल है वहाँ पर, बहुत कलरफुल सी पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स यहीं के बच्चों ने बनाई हुई है, और एक अच्छी सी अलमीरा है, और बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। तो यहीं पर हमारी सोसाइटी में ही जो कुछ लेडीज़ हैं उन्होंने वॉलंटियर किया हुआ है, मतलब कुछ पेड फीस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है इस लाइब्रेरी की। तो बस ये हमको बुक करना होता है, और 3 दिन में या फिर 7 डेज़ में हमको बुक रिटर्न करनी होती है। तो यहीं के लेडीज़ ने इसको वॉलंटियर किया हुआ है, अलग से कोई बाहर से लोग नहीं आए हैं, कोई फ़ीस नहीं देनी है, कोई हमको मेम्बरशिप नहीं देनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिधान के लिए मैंने एक बुक ली थी, क्योंकि रात को मैं उसको स्टोरी सुनाती हूँ सोने से पहले। और रिधान यहाँ पर अपने सैंड पार्क में आ गया है और यहाँ पर झूला झूल रहा है। तो वो बहुत दिनों से ना फुटबॉल का ग्राउंड है ना, जब भी यहाँ पर देखता था तो यहाँ पर अंदर घुस आता था। यहाँ पर यूजुअली ना बच्चे खेलते हैं, बड़े बच्चे खेलते हैं, बड़े बच्चे मतलब इतने बड़े नहीं होते, ऐसे ही 7, 8, 9 साल के बच्चे, 13 साल तक के बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। बट रिधान कंपैरेटिवली बहुत छोटा है उनके साथ में ना, तो वो लोग उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मतलब वो क्या खेलेगा, अभी तो 3 साल का भी नहीं हुआ है रिधान। तो उसको फुटबॉल लेकर मैं उसके साथ में यहाँ पर नीचे आ गई थी, और खेल रहे हैं वो, खेल तो क्या ही रहा है, ऐसे ही कर रहा है इधर उधर। तो मैं उसको सिखा रही हूँ फुटबॉल खेलना, हालांकि बच्चे ना थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे वहाँ जो दूसरे बच्चे थे, क्योंकि उनको पूरा ग्राउंड चाहिए होता है खेलने के लिए। तो रिधान इधर उधर भाग रहा था, तो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आंटी ही आई गेट हर्ट, आप उसे ले जाइए यहाँ से। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आती हूँ फुटबॉल ग्राउंड में, वो रिधान मुझे लेकर आ जाता है, ठीक है, वो खुश हो जाता है। आई लव यू भी बोलो। हाँ, हमारा डिनर हो गया है अभी, और आज पता है क्या हुआ, मैं वाइट जीन्स पहन के गई थी ऑफिस, और मेरी जीन्स में ना कॉफ़ी गिर गई थी। तो वाइट जीन्स को ना मेंटेन करना वैसे ही इतना मुश्किल होता है, मतलब 1 घंटे के लिए भी पहनती हूँ ना तो मुझे, मैं तुरंत उसको आके धोती हूँ, और आज तो पूरी कॉफ़ी गिर चुकी है। मम्मा वाइट जीन्स, इसे देखिए, पता नहीं आपको दिख पा रही है या इस टाइप पे, पूरी डार्क पूरा इसमें ये वाली पूरी काली पूरी कॉफ़ी गिर गई है, इसमें धोनी पड़ेगी। तो इसलिए ना वाइट जीन्स को मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं उसको डिप करूँगी, देखती हूँ अगर दाग जाता है कि नहीं जाता है। ऑफिस में थी तो ऐसे कुछ पाउडर डाल दो ना, कुछ चीज़ गिर जाती है तो वो ठीक रहता है, मतलब उसका निशान नहीं पड़ता, बट ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने ऐसे ही ब्लॉटिंग पेपर, टिश्यू पेपर से ऐसे उसको किया है, तो अभी भी निशान है, जाएगा जाएगा, नहीं तो फिर देखती हूँ क्या करूँगी इसका। तो बस, और बस अभी रिधान को हम सुलाने लेकर जा रहे हैं, इसको बस अब नींद आ रही है, ये थोड़ी देर में सोने वाला, थोड़ी देर में क्या बस ऐसे ही सो जाएगा, ये 9:30 के करीब हो रहे हैं, इसका सोने का टाइम 9 बजे होता है। तो हाँ, इस वीकेंड हम लोग जा रहे हैं यारकुट, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में पड़ता है, और यहाँ से करीब 200 या 225 किलोमीटर ऐसी पड़ता है, और 3 घंटे 4 घंटे की ड्राइव है। तो वीकेंड के लिए जा रहे हैं ऐसे हम लोग, ऐसे 1 नाइट के लिए। पहले जब होता था ना, मतलब शादी के बाद हम इतना घूमते थे, हर महीने कहीं ना कहीं जाते थे। रिधान के होने के बाद में ना सब कुछ बहुत मतलब रुक गया है, मतलब घूमना फिरना तो बिल्कुल ही कम हो गया है, कम के ख़त्म सा ही हो गया। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हमने फिर से स्टार्ट किया है घूमना फिरना, इधर जाना। पहले शादी के बाद तो ना मतलब पूरा साउथ इंडिया, मतलब हर महीने कहीं ना कहीं जाते थे, पौंडेचेरी गए, वायनाड गए, एलप्पी, गोवा, थाईलैंड, कुर्ग, मैसूर, इतनी सारी जगह हम लोग गए थे, मतलब हर वीकेंड जाते थे। कोडाईकनाल, हाँ लास्ट एक 2016 का न्यू ईयर में हम लोग कोडाईकनाल में थे, तो ऑलमोस्ट काफ़ी हमने कवर किया था साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वैसे बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, तो इतना ऐसे नहीं हो पाता, इतना कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इतना क्या चाहिए लो, तो इतना तो
लेकिन ध्यान के होने के बाद से ना पूरी चीजें सब कुछ चेंज होती चली गई और काफी कुछ चेंज जाता है, मतलब शायद सबके साथ में ऐसा होता होगा। मैं पहले जब रिधान मैटरनिटी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे रिधान होने वाला था, तब मेरे घर में कुक भी नहीं था और मैं सारे काम करती थी। मैं ऑफिस भी जाती थी, अपना कुकिंग भी मैं करती थी, बस मेड आती थी जो झाड़ू पोछा बर्तन करके जाती थी। तो और अब मेरे पास में कुक भी है, मेड भी है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काम मेरे कभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। शादी के बाद, खासकर बच्चों के बाद में तो लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। शायद आप सबकी भी, सबके साथ ऐसा होता होगा। पहले मैं अपने ब्यूटी केयर को लेकर इतनी ज़्यादा, मैं बिल्कुल एक रूटीन रहता था मेरा, थ्रेडिंग करवानी है, वैक्सिंग, फेशियल, ये सब मेरा एक होता था, मतलब बेसिक बेसिक सा मैं करके रखती थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक बेसिक बेसिक सा मैं करती थी हर महीने, डेढ़ महीने, दो महीने में। बहुत ज़्यादा मैं कभी भी नहीं कराती थी लेकिन हाँ बेसिक था। अब तो वो बेसिक भी ख़त्म हो गया है, मतलब जो आज मैंने थ्रेडिंग करवाई है ना वो भी लगा लीजिए 3 महीने बाद करवाई है, क्योंकि वो चीज़ रही नहीं गई है। अब टाइम नहीं मिल पाता है या क्या कहें, तो मतलब बच्चे होने के बाद में ना सारी आपकी लाइफ ना सिर्फ बच्चे के आसपास घूमती रहती है, उनका स्कूल, उनका उनका उठना बैठना जागना खेलना सब कुछ, हम हमारे जो काम होते हैं हम सब बच्चे के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और वो सबके साथ होता होगा, शायद सारे पेरेंट्स के साथ में ऐसा होता होगा। तो बस इसको सुलाती हूँ, इसको बहुत तेज नींद आ रही है, ये अगर ये लेट सोता है ना तो ये सुबह बहुत लेट उठता है, फिर मेरे हस्बैंड को बहुत परेशान करता है क्योंकि मैं तो 7 तक निकल जाती हूँ, 7:30 तक मैं निकल जाती हूँ, उनको उठाना, इसको तैयार करना, ये बहुत परेशान करता है। तो उसको सुला देती हूँ। ठीक है, फिर ये व्लॉग में यही एंड कर रही हूँ और आपसे मिलूंगी यॉर्किट के ट्रैवल व्लॉग में। अगर आप में से कोई यॉर्किट से व्लॉग करता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय।